Very good morning, friends. This is Dinesh Kumar, and you're watching RNJ Academy. I'm here before you with the topic Advanced Vocabulary Words and Synonyms. And I have taken around four words. मैंने चार वर्ड लिए हैं और इनके सिनोनिम्स देखेंगे. ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आर्ट से बना है. आर्टिसन, आर्टिसन मीन्स होता है कारीगर या मिस्त्री. और इनके सिनोनिम्स होंगे जो काम करते हैं. अच्छा, ये देखिए, ये नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है. इसके सिनोनिम्स होंगे क्राफ्टमैन, आर्टिफिशर, हैंडीक्राफ्टमैन. देखिए, क्राफ्टमैन वर्कर से रिलेटेड है, क्राफ्टमैन, आर्टिफिशर, हैंडीक्राफ्टमैन, स्किल्ड वर्कमैन. देखिए, जो वर्कमैन स्किल्ड हो उसको भी हम आर्टिसन ही कहते हैं. आर्ट से लेकर के जुड़ा है आर्टिसन, आर्टिसन. अगला है मास्टर, मास्टर भी बोलते हैं. मैकेनिक, मैकेनिक भी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर हम लोग यूज करते हैं कि ही इज अ मैकेनिक, ही इज एन आर्टिस्ट. ठीक है. और लास्ट है टेक्नीशियन, जो टेक्निक यूज करता है. तो इस तरह से हमको आर्टिसन के, कारीगर के सिनोनिम्स मिले, क्राफ्ट्समैन, आर्टिफिशर, हैंडीक्राफ्टमैन, स्किल्ड वर्कमैन, मास्टर, मैकेनिक एंड टेक्नीशियन. अगला देखते हैं, दूसरा वर्ड है वेस्टीज. वेस्टीज मीन्स होता है लक्षण, सिंबल या संकेत, है ना. और इसके सिनोनिम्स होंगे मार्क. देखिए, पहला है मार्क. मार्क मीन्स होता है पहचान. मार्क, ट्रेस, एविडेंस. ट्रेस का मतलब भी तो होता है किसी पहचान को देखना, यानी ट्रेस करना, है ना, पता लगाना. और ये हो गया एविडेंस. एविडेंस एक प्रकार से प्रूफ को एविडेंस कहते हैं. रूइंस. और आ गया रिमेन्स. रिमेन्स भी इसी में आता है. रिमेन्स मीन्स खंडहर, जहां पुराने समय की चीजों के बारे में बताए. तो लक्षण तो बताएगा. साइन, देखिए अगला वर्ड है. अगला है टच. कहते हैं इसमें तो एंटिक टच है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखें बहुत पुराना है तो कहेंगे कि ये तो इसमें एंटिक टच है. टच मीन्स सिंबल से है, लक्षण. अगला है रैलिक्स, देखिए आ गया. सस्पिशन और सजेशन. तो इस तरह से हमको वेस्टीज के कुछ 10-12 सिनोनिम मिले. मार्क, ट्रेस, एविडेंस, रूइंस, रिमेन्स, साइन, टच, रैलिक्स, सस्पिशन एंड सजेशन. अगला तीसरा देखते हैं एम्पल. एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त या विपुल, जिसको हम एनफ भी कह सकते हैं. एम्पल एक एडजेक्टिव है और इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे. देखिए, पहला है अबंडेंट. अबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में. अगला है लार्ज साइज्ड. अगर कोई चीज बड़े मात्रा में हो, लार्ज साइज्ड में हो, लार्ज साइज्ड भी आता है उसी में. अगला है प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल मीन्स पर्याप्त वाला. अगला है लार्ज, बड़ा. और बिग तो आप सभी जानते हैं, बिग मीन्स बड़ा. स्पेसियस, जो ज्यादा स्पेसियस हो यानी बड़ा हो. कैपेसियस, जिसमें कैपेसिटी ज्यादा हो उसको कैपेसियस बोलते हैं, और वो भी बड़ा से ही है. कॉपियस, पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में. कॉपियस, सफिशियंट और ग्रेट. तो इस तरह से हमको एम्पल के कुछ सिनोनिम्स मिले. अबंडेंट, लार्ज साइज्ड, प्लेंटीफुल, लार्ज, बिग, स्पेसियस, कैपेसियस, कॉपियस, सफिशियंट, ग्रेट, ब्रॉड. ब्रॉड मीन्स चौड़ा, ये भी आता है. लिबरल, लैविश, रिच या अनरेस्ट्रिक्टेड. अनरेस्ट्रिक्टेड. तो इस तरह से हमको एम्पल के कुछ ज्यादा ही मिल गए, जिसमें ये निचली लाइन छूट गई थी. ब्रॉड, लिबरल, लैविश, रिच और अनरेस्ट्रिक्टेड. अब देखते हैं रेप्लीट. रेप्लीट भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, एनफ या एम्पल या कॉपियस, एबंडेंट. ठीक है. तो रेप्लीट के खूब भरा हुआ चीज कोई हो
तो व्हीट इज इन रेप्लीट, ऐसे बोल सकते हैं, गेहूं भरा पड़ा है। द व्हीट इज इन रेप्लीट, रेप्लीट इन रेप्लीट। तो रेप्लीट के सिनोनिम्स देख लेते हैं, फील्ड भरा पड़ा, अबंडेंट ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, कंप्लीट पूरा, स्टफ्ड ज्यादा मात्रा में, गॉर्ज्ड ज्यादा मात्रा में, फुल, फुल मीन्स पूरा भरा पड़ा हुआ, ग्लटेड, ग्लटेड, स्टेटेड, सरफीटेड, बहुत अच्छा वर्ड है, सरफीटेड, चार्ज्ड, अबाउंडिंग, फ्रॉट, स्टॉक्ड एंड एग्जबरेंट। तो इस तरह से हमको रेप्लीट के सिनोनिम्स मिले, फिल्ड, एबंडेंट, कंप्लीट, स्टफ्ड, गॉर्ज्ड, फुल, ग्लटेड, स्टेटेड, सरफीटेड, चार्ज्ड, अबंडिंग, फ्रॉट, स्टॉक्ड एंड एग्जबरेंट। आप ये सिनोनिम्स तैयार करिए, एंटोनिम्स खुद तैयार हो जाएगा। मैं आपके लिए बार बार ये वोकैबुलरी सेशन लेके आता रहूंगा, आप तैयार करिए, आपके वर्ड बहुत तैयार होंगे, कोई भी एग्जाम आपके लिए आसान लगेगा। चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू वेरी मच।